याद करो गाइस ये टी शर्ट मैंने कब पहनी थी। तो गाइस आपको बताता हूँ गाड़ी कहाँ खड़ी है, ये हो रही है अपनी गाड़ी। तो ये है कलर गाड़ी का, ये रही अपनी गाड़ी गाइस। भाई नंबर तो नंबर नहीं दिखा रहा हूँ भाई, बट देख दो भाई मैंने आज गाड़ी में भी दिखाता हूँ फुल्ली लोडेड फीचर जो इस गाड़ी में है। भाई गाड़ी मार तो ना दी इसने, मैं लगा भी कैसे रखी, टेढ़ी में लगा रखी है, तो मैंने देखा तुम सही लगा रखी एकदम कटक से। गाइस वेलकम टू माय चैनल GSM व्लॉग्स। फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे, आपको दिखाता हूँ गाड़ी का ओवर थ्रू की गाड़ी कैसी कलर, क्योंकि वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा था कि गाड़ी कौन से कलर की प्रॉपर वे फीचर्स वगैरह। अब आपको दिखाता हूँ मैं गाड़ी का फुल फीचर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आपको अपनी गाड़ी के पास। याद करो गाइस ये टी शर्ट मैंने कब पहनी थी, जिनको अगर नहीं पता बताओ मुझे कब पहनी थी मैंने ये टी शर्ट। भाई गाड़ी तो इधर खड़ी थी, गाड़ी गई कहाँ भाई, गाड़ी तो इधर ही खड़ी थी। तो गाइस आपको बताता हूँ गाड़ी कहाँ खड़ी है, ये हो रही है अपनी गाड़ी। तो ये है कलर गाड़ी का, इतनी जगह खाली है पार्किंग भी नहीं आती मैंने करनी, टेढ़ी में लगा रखी है, तो मैंने देखा तुम सही लगा रखी एकदम कटक से एकदम चप्पर। तो आपको दिखाता हूँ मैं भाई जाऊँ कहाँ से, चल लेते हैं। ये हो रही अपनी गाड़ी, कलर कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके बताओ। तो भाई इधर है एंटी लॉक फीचर, और ये हो रही अपनी भाई भाई ये हो रही भाई इंटीरियर है ठीक है, सीट भाई फुल लेदर। और ये लगा दिया है प्रियंका ने, नज़र ना लगे भाई, नज़र किसी के लगे ना ठीक है। सो ये है, अब तो अंधेरा भी हो गया एक मिनट ठीक है भाई। ये रही भाई लाइट ये है ठीक है, यहाँ पे अपने ग्लासेस जो प्रियंका ने रख दिए मेरे लिए कि जब धूप पड़े तो ये पहन लेना गाइस, सबसे अच्छी बात। उसके मेकअप के लिए भाई लाइट चाहिए होती है, तो मेकअप के लिए लाइट भी है इसमें आप देख सकते हैं, शीशा भी तो फुल लोडेड है, एयरबैग भी है गाड़ी में। सो ये हैंडरेस्ट वगैरह है, हैंडरेस्ट वगैरह कॉफ़ी वॉफी पीने के लिए भाई, फुल एकदम फुल बूट स्पेस है गाड़ी की फुल एकदम। सो ये है गाड़ी, अब थोड़ी बहुत फीचर बता दूँ तो फीचर वो पता ही तो होंगे, जिनको नहीं पता होंगे मैं बता देता हूँ ठीक है। इस गाड़ी में सबसे मेन चीज़ जो है, सबसे मेन चीज़ भाई भाई ये स्टॉप इंजन तो हर घर से अभी अभी लगवाते हैं, दिखाई दे रहा होगा मैं दिखा देता हूँ भाई। देखो ये हो गया ऑन, अब दिखाऊंगा एक और बटन दबाऊंगा फिर डिस्प्ले चालू हो जाएगी पूरी ठीक है। अभी बाहर का तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस, वो भी नीचे का होगा ऊपर तो 30-35 होगा। तो अब हम क्लच दबाएंगे, क्लच दबा के ब्रेक दबा देंगे, ये हो गया गाड़ी स्टार्ट। अब आपको दिख रहा होगा ये लो, सो ये स्क्रीन वगैरह मिलती है यहाँ पे, फ़ोन तो मैंने कनेक्ट कर दिया है भाई, एवरेज ही बहुत तगड़ा है गाड़ी का भाई, 13 का एवरेज दे रही है अभी। अभी इसमें ट्रिप्स वगैरह भी होते हैं ना, तो ये आप देख रहे हो हिस्ट्री में जाओ, हिस्ट्री में जाके ये आपके ट्रिप्स वगैरह होते हैं भाई, 13 का एवरेज। मैंने बीच में कितनी बार रिसेट भी मारा था मतलब बीच में ना, तो ये है भाई, ये है लाइट। अब आके दिखाऊंगा DRL, ये है लाइट भाई एकदम प्रॉपर फ्लैशिंग लाइट है भाई, परेशान कर देंगे हम आगे वाले को, दिखाऊँ ये देखो, ये देख रहे हो परेशान कर देंगे भाई, ये है लाइट। तो गाड़ी ओवरऑल है भाई, यहाँ परफ्यूम वर्फ्यूम लगा रखा है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये परफ्यूम वर्फ्यूम लगा रखा है ठीक है। और ये है भाई ये जगह पर सामान वामान रखने के लिए, अब यहाँ पे मैं एक लगाने वाला हूँ अपना हैंड रेस्ट लगाने वाला हूँ। यहाँ पर AC का सब कंट्रोल मिल जाता है, AC चला लो भाई गर्मी लग रही थोड़ी सी ठीक है। और भाई सारे सिस्टम ऑटोमेटिक है फुल एकदम ठीक है, और बंद करना चाहो तो यहीं से बंद कर लो, ये है। तो गाड़ी एकदम बढ़िया, पीछे पिलो विलो भी रखा हुए हैं, ये पिलो में मिले थे एक्चुअली साथ में, तो जिनको पीठ में दर्द होता है वो बैठ, भाई सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है,
मतलब पूरे कर्व में है, आराम से आप, थाई स्पेस भी काफ़ी है, तो बढ़िया गाड़ी एकदम, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें थी ना ओवरलोडेड, वो है भाई क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल तो भाई हाईवे में चाहिए चाहिए, तो भाई 40 की स्पीड स्टार्ट का, 40 की स्पीड पे रखो गाड़ी कोई, 40 की स्पीड से ऊपर जाएगी ना भाई, तो क्रूज़ कंट्रोल दबा दो और सेट कर दो, तो भाई आराम से चलेगी अपनी, कोई स्पीड देने की ज़रूरत ही नहीं। अभी लाइट वगैरह बंद कर देता हूँ, आपको बाहर से दिखा देता हूँ भाई क्या मेरे को इसकी, पता क्या बेस्ट चीज़ लगी भाई इसकी, एवरेज। इस गाड़ी में जो एवरेज है ना भाई, एक नंबर की एवरेज है। ये बाहर से कुछ DRL वगैरह इसके हैं, ठीक है, हेडलैम्प्स वगैरह, बढ़िया गाड़ी है भाई। और मेन चीज़ क्या है ना भाई, मैंने जो गाड़ी ली है ना, ये ली है भाई मैंने हिल्स के लिए, थोड़ा बहुत ऊंची गाड़ी है, टायर भी भाई इसके 60 हैं, 55 नहीं 60, ठीक है, ऊंची गाड़ी है, तो मेरे को ऊंची गाड़ी चाहिए थी थोड़ी, तो इसीलिए। तो भाई ये वेरी लाइट भाई, एकदम पगड़िया और काफ़ी तेज़ है ब्रेकिंग के लिए भी ना, दिखाई देना चाहिए भाई कोई ब्रेक मार रहा है, तो ये चीज़ है, बढ़िया गाड़ी है, एवरेज भी है, यहाँ पे भी सेंसर है, तो सेंसर से लॉक कर लो। और गाड़ी सबसे बड़ी बात क्या थी, मेरे को चाहिए थी जो ना, तो मुझे ऊँची गाड़ी चाहिए थी थोड़ी, अपना यूट्यूब का सिंबल यहाँ लगेगा और एक पीछे लगेगा यहाँ पर, तो जो है। तो गाड़ी का मेन पर्पज़ तो था भाई कि हमें जाना है कहीं पहाड़ वहाड़ जाना है, तो थोड़ी सी ऊंची गाड़ी चाहिए, तो ये कंडीशन देखी, मेरे को ऊंची गाड़ी ही चाहिए थी, तो ऊंची मिल गई। और दो दिन में बुक हुई है गाइस, गाड़ी दो दिन में बुक हुई है, दो दिन में, एक दिन फाइनल दूसरे दिन डिलीवरी, तो मेरे को चाहिए थी भाई, मैंने कहा भाई बढ़िया गाड़ी है, एवरेज भी बढ़िया है, ठीक है, थोड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी लो ना यार, पार्किंग बड़ी दिक्कत आती है, देख रहे हो यार पार्किंग का जिक्र रखी है, तो पार्किंग करनी तो आती है नहीं इनको, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि यार गाड़ी वो लो जो कहीं भी पार्क हो जाए, वो थोड़ी SUV टाइप हो, ये मिनी SUV में आती है, ठीक है। तो मैंने चला के भी देख ली, बढ़िया गाड़ी है, कोई नॉइज़ नहीं कुछ नहीं, एकदम बढ़िया गाड़ी, ठीक है, जो फीचर रही हैं वो सारे फीचर हैं गाड़ी में ओवरलोडेड, तो AC भी एकदम बढ़िया AC है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो चीज़ें हैं ना भाई, मतलब मेरे को अच्छी लगी सब कुछ, मतलब जो मेरे को चाहिए, ठीक है, कार प्ले वगैरह सब कुछ है, अपना चलाओ, डिस्प्ले दे रखा है इतना बड़ा, डिस्प्ले वगैरह चलाओ अपना मस्त एकदम। तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो मेरे को इसमें वो लगे कि नहीं है, जैसे हैंड रेस्ट हो गया, तो हैंड रेस्ट नहीं है तो मैं लगा लूँगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, 1000-1200 रुपये की चीज़ है, वो तो मैं लगा लूँगा बढ़िया वाला, ठीक है। तो इसमें रखने की काफ़ी स्पेस है, देख रहे हो यहाँ पर भी स्पेस है, इसमें भी स्पेस, आपको यहाँ पर भी स्पेस दिख जाएगी, ठीक है, यहाँ टिश्यू पेपर रखे हुए हैं, तो आपको नीचे देखो तो नीचे भी इन्हें लाइट दे रखी है, नीचे पेपर, गाड़ी की पेपर, और इसके नीचे भी लाइट्स वगैरह हैं, वो लगी लगी हैं सारी, ठीक है। तो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगी, गाड़ी की पूजा वूजा भी हो गई है, जय माता दी। तो अभी एक यहाँ पे स्टिकर लगेगा, एक स्टिकर लगा देंगे इस पार्किंग का, ये पार्किंग मेरी ना किसी और की पार्किंग है, क्योंकि एक गाड़ी ऑलरेडी खड़ी रहती है हमारी पार्किंग पर, तो इसीलिए। तो कैसे लगी गाड़ी आप लोगों को, ठीक है, बताना कमेंट करके, चाहे आप मर्सिडीज़ ले लो, चाहे आप ऑडी ले लो, चाहे आप BMW ले लो, बात यह है कि भाई खड़ी करनी और लगनी है ही है, खड़ी करोगे तो पीछे वाला बोलेगा यहाँ भी खड़ी कर दी, और गाड़ी मार दी तो बोलेंगे भाई गाड़ी मार दी, और दिल दुखा बैठा रहेगा। तो अच्छा है कि गाड़ी वो लो जो आप आराम से गाड़ी कहीं खड़ी कर सकते हो और चला सकते हो दिल खुश होके, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये गाड़ी रखी, बाई चांस इन फ्यूचर अगर चेंज करने का मन बैठता है तो मैं चेंज करूँगा, तो मैं मतलब फिर इसके बाद एक बार एक ऑप्शन देखूँगा टाटा का, टाटा हैरियर चल रही थी, तो टाटा हैरियर भी अच्छी लगी गाड़ी, बट मतलब बहुत बड़ी गाड़ी हो गई हो, तो मैं इंडिया में क्या पार्किंग वार्किंग का बड़ा सीन है, वो गाड़ी तभी सही है जब मतलब ना आपकी खुद की अपनी अपनी पार्किंग, ये पार्किंग है तो अपनी, ये पार्किंग पीछे वाली है ना वो पार्किंग है अपनी, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि एक और गाड़ी लो फिर उसकी पार्किंग खरीदो फिर लगाओ फिर कोई मार दे फिर दिक्कत, तो ना हर चीज़ देखनी पड़ती है ओवरऑल, बजट, चीज़ें, सर्विस, सब चीज़। तुम हाथी तो पाल लोगे लेकिन इसको पालोगे कैसे फिर, तो गाड़ी वही खरीदो जो तुम्हारे एरिया में हमारे मतलब बजट में हो गाड़ी, तो इसलिए मैंने गाड़ी खरीदी, बजट में भी थी प्लस सब कुछ था, तो इसीलिए मैंने गाड़ी। और स्पीकर भी भाई, स्पीकर चेक करवाता हूँ आपको मैं, स्पीकर इसके एक नंबर के स्पीकर हैं, तो अभी तो फिलहाल मेरा फ़ोन कनेक्ट है तो मैं आपको बताऊंगा स्पीकर इसके, आपको मैं वैसे ही रफली आइडिया दे देता हूँ, इसका जो FM है, ठीक है,
एफएम शायद चलेगा नहीं अभी मेरे ख्याल से, बाकी चला के देख लेते हैं। शायद चलेगा नहीं, आई थिंक नीचे है ना बेसमेंट पे, तो यहाँ चलेगा नहीं, चेक कर लेते हैं कोई पकड़ लेगा तो। नीचे पकड़ नहीं रहा भाई, सिस्टम ना भाई एकदम भारी सिस्टम भाई, आवाज़ एक नंबर की है, ठीक है। और अभी चलेगा नहीं क्या इसमें, चलेगा नहीं यार, क्योंकि मेरा अभी फ़ोन वीडियो कॉल पे चल रही है, तो मैं इसकी आपको वॉइस सुनाऊंगा जब मैं दूसरा फ़ोन अभी लेके आऊँगा ना नेक्स्ट व्लॉग में, तो उसमें दिखाऊँगा आपको मैं साउंड क्वालिटी। इस पर साउंड इतनी तगड़ी है ना भाई, मतलब मैं उसको 12-13 बजे चलाता हूँ, साउंड एकदम क्लियर आवाज़। ठीक है, भाई चाबी देखो कितनी प्यारी चाबी है, ठीक है, मस्त एकदम भाई। ये घंटी लगा दी इसमें, मतलब जब भी गाड़ी के पास आओ ना ऐसे ऐसे घंटी बजाओ, ठीक है। पूजा भी आती है गाड़ी की, तो ये चॉइस प्रियंका की थी, कैसी लगेगी? अभी इसमें कवर लगवाना है मेरे को, ठीक है भाई। घंटी बहुत प्यारी है भाई, बजती रहती है ऐसे ऐसे ऐसे। जय ओम, जय ओम, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ना इस गाड़ी में, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। अपना मेरे को जो चाहिए सब कुछ है, A to Z जो मेरे को चाहिए थी। तो गाइस ये है बूट स्पेस गाड़ी का, यहाँ पे लाइट लगी हुई है पूरा भाई, देखो रो पूरा आदमी आ जाएगा इसमें, दो आदमी आ जाएंगे लेट लेट के। आपको दिखा देता हूँ टायर वगैरह हैं पूरे नीचे टायर एकदम। तो ये है यहाँ पे गाड़ी का सब सामान रख दिया मैंने, लाइट्स कर दो ऑफ। तो गाड़ी बताना कैसी लगी आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे। और हाँ एक और चीज़ यार, लोग आते हो यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, तुम सब्सक्राइब करो, ठीक है। ब्लॉग डालूंगा, मुझे पता है काफ़ी लोग कमेंट भी आ रहे हैं, ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग ही बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज, चलो गुड नाइट, सब्सक्राइब कर लो GSM Vlogs, इंस्टाग्राम में है GSM Vlogs 21, तो आपको मेरी प्रोफाइल प्यारी सी फोटो दिख जाएगी, ठीक है।